हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हिंदूवादी टीवी चैनल सुदर्शन अक्सर यही तलाश में रहता है कि किस प्रकार मुसलमानों और मुस्लिम नेताओं को बुरा भला कहकर देशद्रोही और आतंकवादी बताकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाया जाए, लेकिन उसका यह खतरनाक खेल इस बार बिल्कुल भी नहीं चला और समय रहते पुलिस ने सुदर्शन टीवी वाले की जमकर धुनाई कर दी। खबर के मुताबिक सुदर्शन चैनल का प्रमुख सुरेश चव्हाण के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरने के लिए इन दिनों एक जनसंख्या निरंतर कानून की मांग कर रहा है और इसके लिए वह देश भर में घूमकर जागरूकता फैलाने का दावा कर रहा है, लेकिन जहां भी वो जा रहा है वहां पर वह जागरूकता के बदले नफरत फैलाने का काम कर रहा है। सुरेश चव्हाण के बीते शुक्रवार को हैदराबाद शहर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने के अंदेशे की वजह से उसको रोका, लेकिन चव्हाण ने पुलिस के साथ जबरदस्ती और बदतमीजी की तो पुलिस ने काबू पाने के लिए उनकी जमकर धुनाई कर दी। जबकि सवाल ये है कि क्या पत्रकार होने की आड़ में कोई भी शख्स किसी भी राज्य की शांति व्यवस्था को चुनौती दे सकता है? तो जवाब है नहीं, पुलिस की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तेलंगाना पुलिस की जो भी कार्यवाही हुई है वो नियम के अनुसार हुई है। वहीं अगर बात करें चव्हाण के की तो इनका इतिहास विवादों भरा रहा है। ये अपने शो में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो पत्रकार होने का सबूत नहीं देता है। सुरेश अपने शो के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम करते हैं। वो अपने लाइव शो के दौरान और सभाओं में किसी भी अमर्यादित टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते। आपको बता दें कि चव्हाण के अब जिस मीडिया से मदद मांग रहे हैं उसी मीडिया को इन्होंने बाबर की औलाद बताया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।